इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं, ऐसा ही मामला तिलक नगर थाना क्षेत्र का सामने आया, जहां पर मीडिया स्टूडेंट्स पर देर रात अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने रास्ता रोककर जानलेवा हमला किया और फोटो कैमरा और नकदी लूटकर फरार हो गए। मामला देर रात तिलक नगर थाना क्षेत्र के पीपलिया हाना चौराहे के पास का है। बताया जा रहा है कि स्टूडेंट राहुल भाटिया करण भालेराव एक फोटोशूट काम कर घर लौट रहे थे और इस दौरान पीछे से दो बाइक पर आए चार बदमाशों ने डंडे से दोनों स्टूडेंट्स पर हमला बोल दिया और पास में रखे 2 लाख कीमत का कैमरा और नकदी लेकर फरार हो गए। तत्काल घायलों को उपचार के लिए अंबा अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। ये दोनों लोग पिपलाना चौराहे से बंगाली चौराहे के जा रहे थे और इनके पास 2 गाड़ी थी और साथ में कैमरा भी था। दोनों मीडिया स्टूडेंट है और मीडिया में काम करते हैं। और हुआ यूँ कि एक गाड़ी पे 3 लोग थे, वो लट्ठे वट्ठे मारा इनको, पहले पैसे छीने और उसके बाद कैमरा छीन के और दोनों को राइट हैंड पे मारा है, जोर जोर से मारा है। उसके बाद हम लोग फिर थाने में आए। क्या नाम है दोनों का? राहुल भाटिया और करण भालेराव। राहुल भाटिया और ये दोनों ये DAVV के स्टूडेंट हैं, मीडिया के छात्र हैं और ये रात में कहीं से शूट करके ही आ रहे थे और कैमरा बस इनके साथ में था और कैमरा भी लेके भाग गए हैं। क्या मारपीट करी थी? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं। जिन्होंने मारपीट करी वो 3 लोग थे, वो एक्टिवा पे थे, उनकी गाड़ी वाड़ी पर नंबर वंबर भी नहीं था और लट्ठों से ही मारा और उनके पास चाकू वाकू भी थे। कैमरे की कीमत 2 लाख रुपए।